रस वीआईपी में कई बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक कमी है जो हम जैसे गरीबों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। वो ये है कि जब आप रस वीआईपी बाइक कर लेते हो, तब आप उसमें मिनिमम 1 रुपए की चाल, 2 रुपए की चाल ये नहीं खेल सकते हो। वो शो ही नहीं करती है। किसी किसी गेम में शो करती है, जो नए गेम होते हैं नॉर्मली, जो पुराने गेम्स हैं उसमें शो नहीं करती है। उसमें सीधा 10 रुपये, सीधा 15 रुपये से चाल शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें लगातार 3-4 चाल हार जाओगे, अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 40-50 रुपये ही है, तो आप कंगाल बन जाओगे। जुआ लोगों को कंगाल बनाता है, अंबानी नहीं। तो उस चक्कर में मत पड़ना कि हम जुआ खेल के हम अंबानी बन जाएंगे, महल खड़ा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो उतना ही खेलो जितना आप जो है लॉस सह सकते हो, इतना मत खेल जाओ कि उतना लॉस आप सह ना पाओ। तो अगर आपके ऐप वाले अकाउंट में सिर्फ 100 रुपये है, 200 रुपये है, 300 रुपये है, तो आप लालच में मत आओ, आप रस व्यापी मत बाई करो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि रस व्यापी जब बाई करते हो तो उसमें छोटी चाल आती ही नहीं, सीधा 10 रुपये की चाल आती है। अब मिनिमम आपको 10 रुपये चाल खेलनी पड़ेगी। अब उसमें क्या है कि अच्छे बंदे आते हैं, है ना। अगर आप उसमें खेलोगे तो उसमें अच्छे बंदे आएंगे, तो वहाँ पर जीतने के आपके चांसेस जो है वो घट जाते हैं। उससे अच्छा ये कि आप सस्ती चाल खेलो, 2-2 रुपये की चाल खेलो, वहाँ पे कम अच्छे बंदे आएंगे, वहाँ पे आप आसानी से जो है विनिंग कर सकते हो। 2-2 रुपये, 3-3 रुपये की चाल खेलोगे तो मैं मानता हूँ कि टाइम ज़्यादा जाएगा आपका, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। लॉस भी नहीं होगा, और अगर लॉस अगर हो भी रहा होगा तो आप समझ जाओगे कि बस अब नहीं खेलना है। क्योंकि 2-2 रुपये की चाल आप कितनी खेली, 10 चाल मान लो आपने खेली, 10 में से आपका लॉस ही हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि चलो ठीक है बस करते हैं, अब नहीं खेलना है। और 10 चाल खेलने में आपको रुपये कितने जाएगा, सिर्फ 20 रुपये। मतलब ये है मेरा कि 20 रुपये हारने के बाद आप खुद एक्सपीरियंस कर लोगे कि हाँ भाई गेम नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलकर आज तक किसी ने महल नहीं खड़ा किया है, तो फिर ये रस वीआईपी है किसके लिए? ये है उन लोगों के लिए जिनके अकाउंट में ऑलरेडी 1000 रुपये पड़ा हुआ है, जो 10 रुपये से नीचे की बात ही नहीं करते हैं, उनके लिए है रस वीआईपी। वो लोग बाई करें, उनके लिए बेनिफिट होगा। इसलिए इतना याद रखो कि जो जुआ है या फिर फैंटेसी हो गई या फिर रमी हो गया, लेकिन जितनी भी चीज़ें गेमिंग हो गई इसमें ऑनलाइन, तो इन सभी में क्या है ना, एक ही चीज़ है। अपने दिमाग बस इतना बैठा लो कि आपको उतना ही खेलना है जितना आप हार सह सको, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतोगे, हारने के चांसेस ज़्यादा ही रहते हैं हमेशा।